इतनी खूबसूरती, कितनी मासूमियत है ना तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हें देखने से पहले आज तक कभी कभी किसी ने मेरे दिल में दाखिल होने की हिम्मत नहीं की। पहली नजर में मोहब्बत हो गई है तुमसे। काश काश ये लम्हा दुआ की कबूलियत का और मेरा और तुम्हारा नसीब जुड़ जाए। मैं और तुम एक हो जाए, तुम मेरी बन जाओ। मैं अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी, अपनी रूह, अपने जज्बात, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब, ये पूरी, ये अंडे, ये कबाब, इतना अनहाइजेनिक ब्रेकफास्ट किसके लिए मामा? अरे भाई, मेरी बहू का आज हमारे घर में पहला नाश्ता, ये सब तो होगा। और वैसे भी कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं। अस्सलाम वालेकुम। डोनट्स। बासु, यहाँ नहीं, यहाँ बैठोगे तुम। मामा क्यों? बचपन से यहाँ बैठता आया हूँ मैं। बचपन से बैठते आए हो, अब फाहम के बराबर में तुम्हारी भाभी बैठेंगी शमीला। तुम्हारी अब सीट वहाँ भी। चलो बैठो। चलो बैठो। आतिम भाई की शादी होगी तो बाहर बैठना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, सीट है ना एक और। कुछ भी कहता है ये लड़का। माँ आपने इतना अच्छा नाश्ता बनाया, ऐसा नाश्ता तो फाइव स्टार होटल्स में भी नहीं होता। अच्छा देखो, किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई, ठीक है ना सब? कुर्सियाँ और ले आऊँ, दुल्हन के घर वाले भी आएंगे? नहीं नहीं, काफ़ी हैं सीट्स। नहीं आएंगे दुल्हन के घर वाले, हम ही लोग हैं बस। क्यों नहीं आएंगे? ज़्यादा आप तो बता रही थी कि नाश्ता दुल्हन के घर से आता और ये रस्म होती है। अरे छोड़ो ना इन रस्मों वस्मों को, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए बस। अब ज़्यादा जाओ, जाकर बुला कर लाओ उन दोनों को। जी सब देख लो, ठीक है ना? जी। और हाँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। ये बिला वजह का हंसी मजाक मत किया करो, सुना तुमने? मैं देख रही हूँ तुम बहुत ओवर होते जा रहे हो। समझ रहे हो ना? ये देख ले इसको, ये मजाक उड़ाती है, डांटती है। एक और बात तुम तीनों गौर से सुन लो भाई, तुम्हारी भाभी के आने से घर के माहौल में फर्क आएगा, उसके मुताबिक चलना होगा। जी माँ।